हेलो, गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो कल आपने देखा जैसे चेस्ट का वर्कआउट हो गया अपना, चेस्ट और ट्राइसेप का, और आज हम बात करेंगे शोल्डर और लेग्स के बारे में। शोल्डर के लेंगे हम 4 से 5 वेरिएशन और फिर साथ में लेग्स लेंगे, लेकिन आज हम फोरआर्म्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि लेग्स में और शोल्डर में आज फोरआर्म्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ कल फिर हम लेंगे, कल है फ्राइडे, तो कल हम लेंगे बाइसेप्स और बैक, तो आज हम शोल्डर और लेग्स मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी सारी मोबिलिटी स्ट्रेचिंग वगैरह होगी, हिप की, नी की और टोज की सभी धारा होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर, पहले हम ले लेंगे लेग्स, ले लेंगे पहले, उसके बाद लेंगे हम शोल्डर, क्योंकि लेग्स बड़ा मसल है तो इंटेंसिटी ज़्यादा लगती है उसके लिए। बाद में शोल्डर से हम नॉर्मल से ले लेंगे शोल्डर भी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फ्री स्क्वाट से, उसके बाद में फिर लेंगे वेट का स्क्वाट। We'll be right back.
तो अभी जब देखना आपने, मेरा पूरा लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। लेग्स में मैंने लेग एक्सटेंशन और लेग प्रीचर लेग कर्ल मारा नहीं मैंने, क्योंकि है नहीं मेरे पास में और कोई ज़रूरत भी नहीं। जब अपने स्क्वाट मारते हैं और लेग प्रेस मारते हैं तो अपने चारों स्क्वाट ट्रेन होते हैं वैसा। और लंजेस मारा मैंने, लंजेस में अपना स्ट्रीम वगैरह। तो अभी हम होगा लेग्स वर्कआउट, अभी हम कंप्लीट करेंगे अपना शोल्डर का वर्कआउट। शोल्डर में पहले लेंगे हम रॉड प्रेस, शोल्डर प्रेस लेंगे हम रॉड के अंदर या डंबल में ले सकते हैं अपन। उसके बाद में अपन लेंगे फिर फ्रंट रेसर, फिर लैटरल रेजाइज, ये सब लेके शोल्डर में ख़त्म करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप शोल्डर प्रेस लोगे और फ्रंट रेज लोगे तो इसमें आपको हेवी वेट रखना है लेटरल रेज में। मतलब ये तीनों जो एक्सरसाइज है, शोल्डर प्रेस, फ्रंट रेजर, लेट साइड लेटरल, तो इसमें आपको हेवी वेट रखना है, क्योंकि आपको जो रोटेटर कफ है यहाँ पे, जो छोटे छोटे आपके मसल्स रहते हैं चार मसल्स, उसको बोलते हैं रोटेटर कफ। तो उसके आपको मसल स्ट्रांग करना है, पहले अच्छे से मोबिलिटी वर्क कर लेना। मोबिलिटी करने के बाद में आप जब ये एक्सरसाइज करोगे, शोल्डर प्रेस, फ्रंट रेज, लेटरल रेज, इसमें आपको एकदम से हेवी वेट लेना है। मतलब इतना हेवी नहीं कि आपको इंजरी हो जाए, आप कोई सपोर्टर चाहते हो सपोर्टर रख सकते हो। और अभी हम लेंगे इसका, हम लेंगे रियल डेड का पुल वो लेंगे, उसके बाद में हम लेंगे फिर पैक्ड रिवर्स पैक्ड डैक, उसके बाद में फिर हम शोल्डर फिनिश करेंगे। तो आज का हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का लेग्स और शोल्डर वर्कआउट। और आज हम करेंगे नहीं फोरआर्म्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, क्योंकि लेग्स भी मिल किया और शोल्डर किया। तो इसमें आपको फिर कल परसों आपको दो दिन गैप देना है फोरआर्म्स के लिए, और जब मंडे दिन रहेगा ठीक। चलो अभी आप एक साथ बता दूंगा, लास्ट में हम बात करते फिर।
तो आज का हमारा कंप्लीट वर्कआउट हो गया, हमने पहले लेग्स, उसके बाद मिले शोल्डर, शोल्डर में सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अभी हम मतलब आज थर्सडे है तो कल हमारा परसों हमारा गैप हो गया था, तो आज हमने लिया शोल्डर लेग्स, कल हमारा रहेगा फ्राइडे को वापस से बैक और बाइसेप फ्राइडे को रहेगा, क्योंकि अभी आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग, और कल हमारे हम बाइसेप ट्रेन करेंगे तो उसमें भी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग और फोरआर्म्स ट्रेनिंग तो हो ही जाती है। बाद में सैटरडे को हम वापस लेंगे, सिर्फ चेस्ट लेंगे सैटरडे को हम, क्योंकि सैटरडे नाइट को फिर हमें मेरा प्रैक्टिस डे रहता है टेबल के ऊपर, तो वो भी वीडियो शूट करूँगा मैं, और चेस्ट का और प्रैक्टिस वीडियो सब साथ में डालूँगा तीनों का, और संडे को रेस्ट देंगे। और ये जितने भी वीक में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक दिन गैप हो गया उसके लिए सॉरी, बट आपको अगर ये फॉलो करना है तो आप आने वाले मंडे से इसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे मंडे से लेके आपका जो मतलब एक महीने में 4 वीक आते हैं, तो 2 वीक आपको लेना है 2 मसल डेली, 2 वीक में लेना है सिंगल मसल डेली। तो आपको मैंने कल वीडियो में बताया था कि आपके कैसा रिकवरी वगैरह हो जाएंगी, देख लेना है, मैं आई बटन डाल दूंगा ऊपर, कल का वीडियो देखने नीचे आके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। और अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ हो रहा है तो आप कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आज जितना हो सके उतना शेयर करो, अपन बहुत करीब है मोनेटाइजेशन के, और बहुत ही जल्द मैं एक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, मैं जैसे हमारा BGMI अनबैन हो जाएगा उसके बाद लाइव स्ट्रीम करूँगा, जैसे आपको पता है मैं ई-स्पोर्ट भी हूँ, तो जैसे ही BGMI अनबैन होता है वापस से हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो मिलते हैं, स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग।